हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चलिए इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की कम्प्लीट वीडियो सीरीज़ का है, तो अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ देखनी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ अगर आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की PDF बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कैसे आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है सप्लायर। सप्लायर वो है जो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल, पार्ट्स और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। कुछ सप्लायर मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली मटेरियल सेंड कर देते हैं और कुछ पहले दूसरे सप्लायर को सेंड करते हैं, बाद में वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को सेल करता है। ये सप्लायर अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं और मैन्युफैक्चरर का टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करते हैं। अब अगर मैन्युफैक्चरर खुद ही सब चीज़ की प्रोडक्शन करने लगा तो उसका काफ़ी टाइम और कॉस्ट लगेगी, इतने में कोई और मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर देगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो सप्लायर से वो सामान ले लेते हैं जो उन्हें अच्छे दाम पर मिल रहा है, देन उस पर फिर वो काम करके उसे सेल कर देते हैं। सेकंड है मैन्युफैक्चरर, वो कंपनीज जो मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है ताकि उसे कस्टमर को बेचा जा सके, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर। और ये मैन्युफैक्चरर या तो खुद से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है या फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर की हेल्प से उसे प्रोड्यूस करता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही मैन्युफैक्चर हुआ एक प्रोडक्ट के लिए, कई बार वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाते हैं या कुछ पार्टनरशिप कर लेते हैं ताकि किसी एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। बहुत सारी MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि पेप्सी, एप्पल और सैमसंग के पास ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिससे कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को या गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर वो कंपनी, पर्सन, इंडिविजुअल या एंटिटी है जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तीसरा पार्टिसिपेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट लिंक क्रिएट करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर से बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में फाइनल प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं। देन ये इस प्रोडक्ट को जब ज़रूरत होती है तब आगे होलसेलर को सप्लाई करते हैं। फोर्थ है होलसेलर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में एक चेन क्रिएट करता है। ये रिटेलर के जो भी डिफरेंस ऑर्डर होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स को परचेज करता है या बाय करता है, और कई बार ये कुछ मार्जिन स्टोर करके रखता है ताकि अगर फ्यूचर में डिमांड्स में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं या डिमांड ज़्यादा आती है तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसे फुलफ़िल कर सके। तो होलसेलर ऐसा नहीं करेगा कि जो उसे ऑर्डर आया रिटेलर से, रिटेलर मतलब कि जो स्टोर वाले होते हैं जिनकी शॉप्स होते हैं, उनसे जितना ऑर्डर आया वो उसी के अकॉर्डिंग सामान लेगा, वो उससे भी थोड़ा मार्जिन रख के क्वान्टिटी ज़्यादा लेगा ताकि अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहे और उस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। ये होलसेलर गुड्स को रिटेलर के डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं। फिफ्थ है रिटेलर्स। अब रिटेलर्स के बारे में हम सारे अवेयर हैं, डेली बेसिस पर हम रिटेलर्स पे नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्टेक्ट करते हैं जब भी हमें किसी भी सामान की ज़रूरत होती है। रिटेलर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ। वो अपने स्टोर्स में वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि उनके कस्टमर वो ले सके जो वो चाहते हैं। ये रिटेलर्स इन्वेंट्री को ट्रैक करके रखते हैं ताकि अगर कोई भी स्पेस या रैक्स खाली होते हैं तो उन्हें पहले ही रिफिल कर दिया जा सके, क्योंकि रिटेलर्स एंड पॉइंट होते हैं, वही डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ, तो वो नेसेसरी फीडबैक और सेल डेटा प्रोवाइड करते हैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को। सिक्स और लास्ट है कस्टमर, और कस्टमर में हर कोई इंक्लूड है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ या किसी ना किसी चीज़ का कंजप्शन ज़रूर करता है। तो चाहे वो होलसेलर ही क्यों ना है, वो जो होलसेल का काम कर रहा है वो भी किसी दूसरे प्रोडक्ट का कंजप्शन करता होगा, तो वो अपने प्रोफेशनल लेवल पे एक होलसेलर तो है लेकिन साथ ही साथ में वो कस्टमर भी है। तो एक कस्टमर कोई भी हो सकता है,
जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है। कस्टमर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई चेन में, क्योंकि एक बिजनेस की सक्सेस और फेलियर इसी पर डिपेंड करता है। अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई है तो ये एक परमानेंट सोर्स रहेगा आपके रेवेन्यू का, क्योंकि कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने सबसे पहले एक प्लांट लगाया, मशीन रखी, लेबर को एक्वायर किया, देन रॉ मटेरियल को एक्वायर किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ पे जितने भी आपके एफर्ट्स है उस प्रोडक्ट को लेकर वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट। सबसे पहला सप्लायर, देन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट में कस्टमर्स।